अब देखो भाई, यहाँ से नज़ारा देखो भाई, देखो ये है संघाई। देखते ही बनता है भाई, चारों तरफ देखो। हाँ तो इसी तरह से ये बिल्डिंगें सारी बनी हुई है। फाइनेंशियल टावर हो गया, चाइना टावर हो गया, शंघाई टावर हो गया, बेजिंग टावर हो गया, टेलीविजन टावर हो गया, ऐसे ही टावर बने हुए चारों तरफ आप देख सकते हैं। और हम इस टावर के ऊपर, टावर के पास बने हुए इस ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पे हम घूम रहे हैं। और यहाँ पे सामने धीरे धीरे वो जो दिख रहा है ना टावर, उसकी तरफ जा रहे हैं भाई। इसके ऊपर भी जाने का होता है, लेकिन इसके ऊपर जाने का भी पैसा है ज़बरदस्त। अब हम यहाँ पहुँचे, देखो स्कीम देखो भाई, वो ब्रिज सीधा अंदर ही आता है, बिल्डिंग के अंदर आता है, सुपर मॉल में सीधा ही। देखो बिजनेस करने का तरीका है ये। देखो भाई, फोटोग्राफी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, और एक बढ़िया शॉट मिल जाए फोटो, इसलिए ये सब मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे। दुनिया में फोटोग्राफी का जो टशन है ना, इस कदर बढ़ता जा रहा है कि पूरी दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ, फोटो ही फोटो गिराते हुए लोग दिखेंगे आपको। बस एक झलक कैमरे में कैद हो जाए ठीक से, और जब तक वहाँ खड़े रहते हैं ना लोकेशन पे, तो कभी दिल भरता ही नहीं है कि फोटो ख़त्म हो गया अब नहीं लेना है। बहुत ही खूबसूरत शाम हो रही है, और बहुत ही प्यारा यहाँ पे मौसम बना हुआ है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे व्यू दिख रहा है। ये सारे लोग यहाँ पे, अच्छा ये पूरा एक मंडली है ना, इसलिए ये सारे गाइड कर रहा है कि यहाँ पे सारे कुछ बिल्डिंग दिखा रहा है देखो। और चाइना में खास तौर से भाई, किसी की उम्र का तकाजा नहीं लगा सकते आप यहाँ पे। सारे लोग जो वुमेन्स हैं, लेडीज हैं ना, वो एक ही जैसी दिखती है। 50 साल की है तो वो भी एकदम यंग दिखती है, और नई लड़की है तो वो भी यंग दिखती है भाई। तो यहाँ पे किसी की उम्र का पता ही नहीं चलता कि कौन कितने साल की है, क्योंकि पहनावा वेशभूषा दिखने में भी एक जैसा ही दिखते हैं। देखो काफ़ी ऊपर है, बहुत सारे लोग इनसाइड भी हैं, हम चलेंगे सीधा। तो भाई यहाँ पे एक कलरफुल गार्डन बना हुआ है, देख लीजिए। यहाँ से नदी के उस तरफ का और नदी के इस तरफ का दोनों का व्यू आता है, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है।